गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच एक हेल्दी सी रेसिपी लेकर। तो आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी बनाने वाला जो गेहूँ का आटा होता है सादा, उससे बिस्किट। और देखिए बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी बिस्किट मैं घर पर बना रही हूँ, तो उसी की रेसिपी आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर छोटी सी भी क्लिप आपकी छूट गई तो आपके बिस्किट सही से नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया एक कटोरी पिसी हुई चीनी। यहाँ पर चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और ये ले लिया मैंने गेहूँ का आटा, जिससे कि हम रोटियाँ बनाते हैं वही आटा। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा देसी घी, आप चाहें तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच ले लिए मैंने फ्रेश दूध की मलाई। और ये ले लिया मैंने 2 कलर की टूटी फ्रूटी, मेरे पास ऑरेंज और ग्रीन 2 कलर की, आपके पास जो भी कलर हो आप वो ले सकते हैं। तो 2 चम्मच ले लिया मैंने सूजी। तो यहाँ पर ये सारा सामान मैंने निकाल लिया है बिस्किट बनाने के लिए। तो चलिए एक ले लेते हैं मिक्सिंग बाउल। अब इसमें सबसे पहले डाल देंगे हम घी, जो कि हमने कटोरी में पहले से ही निकाल लिया था। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा जो ये घी है, ना ही तो पूरी तरह से मेल्ट है और ना ही पूरी तरह से जमा हुआ है, तो हल्का सा मैंने गर्म किया था इसीलिए ये हल्का सा इस तरीके का है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये चीनी का जो पाउडर हमने तैयार किया हुआ है इसको डाल देंगे और अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसको एक क्रीमी टेक्सचर में तैयार कर लेंगे। जब ये हमें लगेगा कि थोड़ा ड्राई सा है तो हम इसमें दूध वाली जो मलाई है वो भी डाल लेंगे। देखिए जब इस तरीके से हम इसे फेंटते जाएंगे तो ये लाइट वेट क्रीम की तरह बन जाएगा। उसके बाद हमें इसमें आटा डालना है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी मलाई, एक एक चम्मच करके इस तरीके से मलाई डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए अगर एक कटोरी आटे के आप बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच सूजी और 1 कटोरी चीनी का पाउडर, ये सामान आपको इस मिक्सचर का जो ध्यान रखना है आपको कि 1 कटोरी आटा है तो उसमें 1 कटोरी चीनी का पाउडर है और 2 चम्मच या तो बेसन डाल सकते हैं या फिर सूजी, जो भी आपको पसंद हो। अब ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये हमारा काफ़ी फूल भी गया है मिक्सचर। तो इसके बाद हम इसमें आटा मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आटा डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सूजी जो कि हमने पहले से ही निकाल ली थी, 2 चम्मच सूजी है यहाँ पर, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये देखिए ये छोटी चम्मच है तो इसे मैंने भरकर डाला है। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक, देखिए नमक ज़्यादा नहीं डालना है, 1.5 चुटकी बराबर आपको नमक डालना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मीठा डालते हैं तो आपने कभी मार्केट के भी बिस्किट खाए होंगे, जो भी कितने भी मीठे बिस्किट क्यों ना हो मार्केट के, उनमें हल्का सा साल्टी टेस्ट होता है, तो उसी के लिए हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक, जिससे कि क्या होता है कि मीठा खाते खाते है ना हमारा मन सा भर जाता है, तो जब हम बिस्किट में हल्का सा नमक डाल लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका बिस्किट खाते खाते मन भरेगा नहीं, आपका मन करेगा कि बिस्किट और खा लो और आपका मुँह भी ज़्यादा मीठा मीठा नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इस मिक्सचर को हाथों की हेल्प से अच्छे से जैसे कि आटा गूंथते हैं, देखिए इस तरीके से गूंथ लेना है। अभी तैयार हो गया है। तो चलिए अब मैंने देखिए कढ़ाई रख दी है, हैवी थल्ली की कढ़ाई लेनी है आपको, चाहे तो लोहे की हो चाहे कोई भी जो भी आपके पास भारी कढ़ाई हो वो कढ़ाई लेनी है। इस तरीके से प्री हीट होने के लिए रख देना है। तो जब तक हमारी कढ़ाई प्री हीट हो रही है तब तक हम क्या करेंगे, बिस्किट की शेप दे लेंगे। बिस्किट की शेप देने के लिए मैंने एक चम्मच ले लिया है और चम्मच की हेल्प से इस तरीके से छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे और प्लेट पर इस तरीके से रखेंगे। अब इसे शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए चाकू चाहिए, चाकू की हेल्प से इस तरीके से हम स्क्वायर शेप दे देंगे इसको। ये देखिए इसके ये जो साइड निकाली हमने ये वापस डाल दिए। अब उल्टा चाकू को उल्टा करेंगे और इस तरीके से डिजाइन दे देंगे। बहुत इजी है ना, ये देखिए बिस्किट की शेप हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, प्लेट पर ये सिल्वर फॉइल पेपर आता है ना जिसमें कि हम रोटियां फॉइल करते हैं, तो इसी फॉइल पेपर को लेना है और इस तरीके से प्लेट को कवर कर देना है इससे। अब हम इसमें बिस्किट रख देंगे, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे बिस्किट तैयार कर लूँगी और उसके बाद इस प्लेट में रख देंगे। देखिए आप सोच रहे होंगे बिस्किट छोटे छोटे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि फूलने के बाद जब ये कढ़ाई में रखे जाएंगे ना तो ये काफ़ी फूलते हैं, फूलने के बाद इनका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है,
तो इसीलिए ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में भी। इसीलिए छोटे साइज़ के बिस्किट बनाने हैं तो वो फूल कर उनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हाथ से दबाते हुए हम पहले ये सारे अपने पेड़ तैयार कर लेंगे, उसके बाद एक साथ ही बिस्किट की शेप दे देंगे, तो इससे हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए, मैंने 4-5 बिस्किट एक साथ बना लिए और उनको एक साथ शेप दे दूँगी इसी तरीके से। तो ये देखिए कितना बढ़िया सी शेप आ गई ना बिस्किट की, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे बिस्किट तैयार कर लिए हैं, देखिए बढ़िया लग रहे हैं ना एकदम। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि बिस्किट को थोड़ा गैप से रखना है, क्योंकि फूलने के बाद है ना ये चिपक जाएंगे वरना एक साथ, तो थोड़ा थोड़ा दूरी पर रखना है इनको, जिससे कि ये चिपके नहीं, इन्हें स्पेस मिल जाए फूलने के लिए। अब हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे स्टील वाला, जो कि नॉर्मली सभी के घरों में होता है। ये देखिए, स्टैंड को रख देंगे बीच में और इसके ऊपर रख देंगे प्लेट। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, नमक लीजिएगा और नमक के ऊपर प्लेट को इसी तरीके से रख देना है, उससे भी आपके बिस्किट तैयार हो जाएंगे। अगर स्टैंड ना हो तो, स्टैंड ना होने की स्थिति में आपको ये करना है कि आपको नमक फैला देना काफ़ी सारा और उसके ऊपर से रख देनी है आपको अपनी स्टील की प्लेट। तो यहाँ पर ढककर रख दिया है, 40 से 45 मिनट लगते हैं बिस्किट बनने में। तो हमें क्या करना है, 15 मिनट के लिए बिल्कुल भी कढ़ाई को नहीं छेड़ना है और उसके बाद 15 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेना है और लगभग 40-45 मिनट में हमारे बिस्किट तैयार हो जाएंगे, तो हमें निकाल लेना है। अब हम और बिस्किट की शेप दे लेते हैं। तो इस बार हम दूसरे तरीके के बिस्किट बना रहे हैं। यहाँ पर हम देंगे राउंड शेप बिस्किट को और इस पर टूटी फ्रूटी लगा देंगे, तो बच्चों को टूटी फ्रूटी बहुत ही पसंद होती है। तो इस तरीके से देखिए, राउंड शेप देते हुए अब इस पर लगा देंगे हम टूटी फ्रूटी, जिससे कि बिस्किट है ना थोड़े से अट्रैक्टिव लगेंगे। तो ये देखिए, देखिए हम बच्चों के लिए अपने हाथ से जो भी चीज़ें बनाते हैं वो हेल्दी होती हैं, तो बच्चों को कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें ज़्यादातर खिलाएं, तो ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने हाथों की बनी खिलाएं। और चलिए बच्चों की छोड़िए, लड्डू गोपाल होते हैं हमारे घरों में, तो भाई वो भी बच्चे ही होते हैं, बाल रूप ही होता है, तो उनको हम बाहर की चीज़ों का भोग नहीं लगा सकते, तो इसलिए उनके लिए घर पर हम ये बिस्किट आराम से बनाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए, बिस्किट की शेप दे दी है मैंने इनको, ये तैयार हो गए हैं राउंड शेप वाले बिस्किट। ये भी मैंने छोटे साइज़ की बनाए, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं बनाया है। अब हम उन बिस्किटों को निकाल लेते हैं। तो मैंने बीच में एक बार चेक कर लिए थे, अब ये देखिए, ये फाइनली बिस्किट हमारे तैयार हो गए हैं। ऊपर से भी गोल्डन कलर आ गया है इन पर और नीचे से भी ये बढ़िया से सिककर तैयार हो गए हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा इनको बहुत ही ध्यान से आपको इस तरीके से, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है प्लेट भी गर्म है, तो पलटी की हेल्प से इस तरीके से निकाल लेना है। तो जब हम इन्हें निकालेंगे, गर्म गर्म जब होते हैं तो थोड़े मुलायम होते हैं, तो डरिएगा नहीं कि आपके बिस्किट ख़राब हो गए हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद ही ये क्रिस्पी बनेंगे, जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही क्रिस्पी होंगे। तो ये देखिए, हो गए ना बढ़िया से बिस्किट हमारे तैयार। तो लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए घर पर बिस्किट आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, देखिए जो मार्केट के बिस्किट आते हैं ना, उनका हमें नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से बनते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है बनने की, तो इसीलिए लड्डू गोपाल के लिए तो भाई अपने हाथों से ही बिल्कुल शुद्ध चीज़ घर पर ही बनाइए, जो भी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, मैं दूसरे बिस्किट भी इसी तरीके से रख दूँगी प्लेट में, गैप से, थोड़े थोड़े गैप से। और इसे भी ढक दूँगी। तो यहाँ पर एक बिस्किट मेरा एक्स्ट्रा हो गया है, तो दोबारा इसे कहाँ पकाऊँगी, तो इसमें ही रख दूँगी इसको। ये देखिए, थोड़ा सा ये गैप कम है, लेकिन कोई बात नहीं है, पक जाएंगे आराम से। ये देखिए, अब ये बिस्किट भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये मैंने थोड़े ठंडे होने के बाद निकाले, इसलिए मैं हाथ से आराम से उठा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े से जल्दी बन गए, क्योंकि हमारी कढ़ाई जो है पहले से ही गर्म थी, जैसा कि आपने देखा था मैंने पहले वाले बिस्किट निकाले थे, तो ये इन्हें बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इन्हें बनने में 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो 20 से 25 मिनट में हमारे ये बिस्किट तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए, बढ़िया से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बिस्किट हमारे तैयार हुए हैं, बिल्कुल घर के शुद्ध आटे के, जो कि बिल्कुल ना ही नुकसान देंगे और बिल्कुल बढ़िया से। तो चलिए आपको अभी दिखा देती हूँ मैं कि ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको एक बिस्किट तोड़कर दिखाऊंगी।
ये देखिए ये ना बढ़िया एकदम अंदर तक बिल्कुल भी कच्चे नहीं है ये देखिए आपको दिख रहे होंगे इसमें होल से भी बने हुए हैं। तो ये बढ़िया फूले हैं, बहुत ही बढ़िया से बिस्किट तैयार हुई हैं। आप सभी को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर आने वाली हर रोज़ एक नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।